नमस्कार दोस्तों, एम से पीएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पॉलिटिकल कनेक्शन आपको कहाँ और कैसे काम आ सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा, जो प्रियंका गांधी के पति है और सोनिया गांधी के दामाद और राहुल गांधी के जीजाजी, उनको ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी ने मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया था। इन पूछताछ के दरमियान 40 जितने सवाल उनसे पूछे गए, जिसमें से कुछ सवाल के जवाब उन्होंने ठीक ठाक दिए और कुछ जवाब ऊपर नीचे दे दिए हैं। 6 फरवरी शाम 4 बजे रॉबर्ट अपनी पत्नी प्रियंका वाड्रा के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे और ईडी के दफ्तर पहुंचने के बाद उनसे ये पूछताछ की गई। अब आपको हम बताते हैं कि किस बारे में ये पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से करने में आई है। इंजाम ये है कि यूपीए सरकार जब पावर में थी, तब रॉबर्ट वाड्रा को 2 बड़ी डील प्राप्त हुई थी और इस डील के जो पैसे थे उनसे बेनामी जमीन उन्होंने लंदन जैसे इलाके में खरीदी थी, जिसकी अमाउंट 1.9 मिलियन पाउंड के खर्च पे थी। और साथ ही साथ और 6 ऐसी जमीन के कुछ लिंक्स भी ईडी को इनके खिलाफ मिल रहे हैं। और इस सारे सिलसिले में कुछ नेता कुछ लोगों का इनके खिलाफ कहते हुए ये शब्द था कि जिस इंसान के पास अपनी कंपनी शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए भी नहीं थे, जो इंसान एक करोड़पति था, उनके पास इतने सारे पैसे कुछ सालों में कहाँ से आ गए। अंतर्राष्ट्रीय ज़मीन खरीदने के लिए आपके बैंक का बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और ये बैलेंस कहाँ से कैसे बढ़ा ये सारी जानकारी वो मान रहे हैं। और साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा के जो समर्थक है उनका तो ये कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा एक बहुत ही क्लीन इंसान है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, पर बीजेपी और ईडी जो इनके खिलाफ ये साजिशें कर रहे हैं उनके खिलाफ, यानी कि ईडी और बीजेपी के खिलाफ भी उन्होंने तो शब्द बोल डाले। उनका कहना था कि बीजेपी और ईडी जैसे जो संगठन है वो ऐसे नामी नेता नामी इंसानों को अपना शिकार बना रही है। और ऐसे सारे सिलसिले के बीच में, ऐसी सारी वारदात के बीच में क्या नतीजा निकलेगा इस सारी बात का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ऐसी और खबरें एम से पीएम न्यूज़ आपके पास लाता रहेगा। और एम से पीएम न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसलिए हमारे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और न्यूज़ से जुड़े रहिए। धन्यवाद।